यार इसकी दुम पकड़ के रख। ये कुछ नहीं करती यार, यार ये घुमाती है ना, ये कुछ नहीं करे। कजन लेने के लिए आया और मुझे कहने लगा कि यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ता है, हम वहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। शॉर्टकट के चक्कर में इसने जानबूझ के ऐसे रास्ते से लाया क्योंकि इस रास्ते से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अब ये मेरा मौजूद आ रहा है, जिस चीज़ की तलाश में आए थे हम वो मिल गया। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप सब, होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइज मैं जा रहा हूँ आज नानी के घर और इसको परमिशन नहीं मिली साथ जाने की, तो इसलिए आज ये यहीं है मेरे बिना, मेरे को मिस करता रहेगा। और हम चले नानी घर। नानी घर गाड़ी में नहीं जाना है, पैदल जाना है, ट्रैकिंग करनी है पूरा। यहाँ से 1 से 1.5 घंटा तो मुझे लगना है चलते चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। तो चलो हम आज का सफ़र शुरू करते हैं। ओके आपने मत आना है, सो सैड, इसके बिना जाना बुरा लग रहा है। गाइस घर से तो हम काफ़ी ऊपर आ गए, यहाँ तक आते आते 10 मिनट लगे यहाँ से ये पहाड़ क्रॉस किए ऊपर। अभी हम रोड के लेवल में आए हैं, तो यहाँ पे हमें चाची मिल गई। चाची ने हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ये जो गाय हैं इसको ऊपर छोड़ना है नानी के घर के पास में ही। अब मैं और महबूब हैं, आगे चाचू भी मिलेंगे, ले चलते हैं गाय को। चल गाय मेरी है, ऐसी होती है पहाड़ की गाय, दूध और मक्खन ऐसे फ्री में नहीं मिलते। अगर भाग गई ना फिर दूध और मक्खन मिल जाएंगे। अच्छी गाय है, मेरा मान रही है, मेरे पीछे पीछे चल रही है, आ जाए। तो गाइज अभी हम गांव के अंदर से जा रहे हैं, पिला इसको पानी। तो हम पहुंचे हैं कुछ ऐसी लोकेशन पे, गुड, ठंडा पानी, ठंडा है ये जो पानी, इसको हम क्या चश्मे का पानी कहते हैं। ये पहाड़ों के बीच में से आता है फिल्टर होके, बाकी जो हम जम्मू का पानी पीते हैं वो तो आर्टिफिशियल तरीके से फिल्टर करते हैं केमिकल वगैरह मिलाकर। तो पहले मैं पानी पीता हूँ, फिर आगे सफर कंटिन्यू करते हैं। बस तो गाइज चढ़ चढ़ के बहुत बुरी हालत हो गई, कम से कम 70% रास्ता कंप्लीट किया, बट यार ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती है। यहाँ तो आए थे हम सुकून की तलाश में, अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, बट यहाँ के पता चला कि हमारी फिज़िकल हेल्थ भी ख़राब है यार, चला ही नहीं जाता है, सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, इस जगह में पेड़ों के बीच में एक घर है, वहाँ नानी का घर है। यार लोग जंगल में ऐसे कैसे रहते हैं, लाइट प्रॉब्लम, रोड प्रॉब्लम, खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई तो यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। रोड पता कितनी दूर है, वो जो दिख रहा है वहाँ, ये वाला एरिया ये रोड है, यहाँ से पहले डाउन होना है फिर ये पूरा पहाड़ चढ़ना है ऊपर की तरफ ऐसे करके। कल से लाइट भी नहीं है, लाइट भी चली गई है, अब पता नहीं लाइट भी कब आएगी। और इसकी बैटरी भी आई थिंक 80% चार्ज है, बट फोन डेड है टोटली। बट एक चीज़ का यहाँ मज़ा है कि यहाँ फ्रेश एयर मिलती है, मतलब पहाड़ों के ऊपर जब हम जाते हैं ना हमें सर दर्द होने लगता है, तो रीज़न पता है क्या है सर दर्द होने का, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। सिटी में क्या होता है वो प्लूटेड ऑक्सीजन होता है, तो जैसे ही हम फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे लेते हैं तो वो हमें हैंगओवर हो जाता है उसका, तो उसकी वजह से हमें सर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमें आदत हो गई है प्लूटेड ऑक्सीजन लेने की, तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट होते होते टाइम लगता है। A few minutes later. तो finally guys, अभी पहुँचे हम कुछ ऐसी location पे, but ये मेरे को cousin लेने के लिए आया और मुझे कहने लगा कि यहाँ पे एक shortcut रास्ता है, हम वहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। Shortcut के चक्कर में इसने जानबूझ के ऐसे रास्ते से लाया क्योंकि इस रास्ते से मैं चल नहीं पा रहा हूँ। अब ये मेरा मोजू उड़ा रहा है, अब ये मेरा मोजू ले रहा है। तुम यार यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं है, मतलब बंदा अगर गिर गया ना सीधा वहाँ नीचे दरिया है, दरिया में पड़ेगा, तेरा कुछ नहीं बन सकता यार, हंस रहा है आगे से बेशर। अब मुझे ले तो चल, आना यार भी यार इधर आना, आ जाना भाई, बड़ा शॉर्टकट दूरी दिखाया ना, शॉर्टकट है ना ये देखना, अगर मैं गया नीचे। क्या हुआ, गिर गया यार, आना यार, मुझे गिराना चाहता था ना, खुद गिरा, पता लगा जंगल के रास्ते कैसे होते हैं। कोई बात नहीं, बदला तो लूंगा मैं। सांस फूल रही है, उनसे बोला नहीं जा रहा है, और ऊपर से इस नमूने ने ऐसे रास्ते से लाया जहाँ से मैं चल नहीं सकता था, हंस रहा है बेशर्मों की तरह आगे से। और यह ट्रीट करते हैं बड़े कजन्स के साथ, और यहाँ का व्यू
काबिल तारीफ। प्लस यहाँ का नेचर, हवा, ताज़ी हवा, सुकून आ गया। जिस चीज़ की तलाश में आए थे हम, वो मिल गया। समझ में आया लोग पहाड़ों पे क्यों रहते हैं, इसी सुकून के लिए जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं अभी इस लोकेशन से आया हूँ, ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके नीचे वाली साइड डायरेक्ट, यहाँ से क्रॉस करते करते पूरा एरिया ये चढ़ाई चढ़ के, और ये है मेरे नानू का घर। ये अभी वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया, ऊपर पेड़ों के बीच में एक घर है। तो ये भी डोक में रहते हैं इन दिनों, तो अब जा रहे हैं नानी से मिलने के लिए। वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत टाइम के बाद मिल रहा हूँ, तो चलते हैं अब डायरेक्ट वहीं पे। फाइनली गाइस पहुँच चुका हूँ मैं नानी के घर, और नानी को पहले ही खबर हो गई थी मैं आ रहा हूँ, और वो सामने बैठ के वेट कर रही है, देख भी रही है अकेले किससे बात कर रहा है। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। Here is my nani. Yeah, मेरी नानी। A few minutes later. Yeah, जाओ, तुमसे ज़्यादा नानी को experience है। ये आजकल के नमूने बोलते हैं जानवर भी बात करते हैं क्या, तुम्हें भी क्या पता है यार, जानवर के अंदर भी सेंस होती है, ठीक है ना, ये भी बात करती है। क्यूटी भाई पोज पिक एक ले रहा हूँ, पोज दो इधर। गुड, क्या पोज दिया इसने, दोनों कान खड़े कर दिए। ये उसकी माता जी। चल मैं दूध ट्राई करता हूँ, दूध निकालूंगा गाय से, ठीक है गाइस, क्या बोलते हो, दूध निकालूंगा इसे। नानी ने एक ट्रिक दिखाई है दूध निकालने की गाय से। नानी ने कहा ये दूध ऐसे नहीं देगी, इसके लिए पहले आपको उसके साथ फ्रॉड करना पड़ेगा, उसके लिए पहले उसके बच्चे को खोलना है, वो जाके दूध पिएगी, उसी बहाने से हमें उसका दूध चुराना है, है ना। हाँ हम तो चोर बन गए। चलो आप पहले हम इसको खोलते हैं वहां से जानी। खोलूँ आपको मैं, इधर इधर पहले बात सुनो ना, खोलूँ आपको दूध पीना है। खुल गए आसिम सिम, ओ मारना नहीं, ओ गाइस अब आया मैं भी ट्राई करने के लिए, मारना नहीं भाई यार, ये इसकी दुम पकड़ के रख। ये कुछ नहीं करती जायज भैया, यार ये घुमाती है ना, ये कुछ नहीं करेगी, रख नहीं आगे। पीके, कैसे करना है? अच्छा मैं दो हाथ भी ट्राई कर सकते हैं ना। अरे वो भी नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे ट्राई करते हैं। निकल गया। निकाल लिया दूध गाइस, ये देखो कहाँ था इसकी दुम पकड़ के रख। बस यार काफी है, निकाल लिया दूध यार। उसको तो आदत है, वो ये सब काम करता है, मैं फर्स्ट टाइम ये सब किया तो देख लो कामयाब हो गया। गाइस पुराने लोग ना बहुत सियाने होते थे, हमारे जो बुजुर्ग होते थे उनको पता जानवर में भी फीलिंग होती है, तभी इनका नाम रखा जाता था। और ये आजकल के नमूने कहते यार जानवर का भी कोई नाम रखता है, इनसे भी कोई बातें करता है। यार जानवर का नाम इसलिए रखना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए ताकि इनको एक अपनापन मिले। तो इनमें भी फीलिंग्स होती है, इनमें भी सेंस होते हैं, ये भी चीज़ों को समझते हैं, बेचारे रोते हैं। ओ बस कर कितना पिएगी, चल बांध ले इसको। फाइनली गाइस घर तो हम पहुंच गए हैं। नानी को कह रहा था मैं यहाँ से और ऊपर चले जाओ, अभी भी ये नजदीक ही है, थोड़ा नीचे है। पता है मैं कहता था टाइम लोग ये होता है खासनस, बराबर 2 घंटे लगे। सुबह मैं 10 बजे का निकला हूँ, दोपहर को 12 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा। ओ झूठा पैस बैठे बूढ़ा हो गया, आदत मत है पैदल चलने की, एहसास है मेरी फूल गई। आज नानी के साथ हम हिंदी में बात करते हैं, एक्चुअली नानी को हिंदी बहुत ज़्यादा कम आती है, इनको कश्मीरी आती है, तो कश्मीरी मुझे कम आती है, हिंदी मुझे अच्छी आती है अब नानी के साथ। नानी तैयार हो जाओ, जम्मू चलते हैं। ना हिंदी में बोलो ना, ना हिंदी में हिंदी में ट्राई करो, हिंदी में हमारे व्यूवर्स आपको सुनना चाहते हैं, हिंदी में बात करो। हाँ चलो तैयार हो जाओ, जम्मू चलते। दो दिन तो बाद ठीक है, आलू पहाड़ी मिक्स हो गई बीच में। 2 दिन के बाद है, याद आती थी हमारी ना हिंदी में तो आप हो गया चाय का टाइम। तो फाइनली इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो भी इस चैनल पे नए आए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। Subscribe. नानी क्या करें चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, बे लाइक करो, सबके लिए दुआ कर दो कि सब सही सलामत रहे। आमीन, ठीक है। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय, टेक केयर, बाय।